नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक आदमी ने बहुत तप किया, तो जब उसने तप किया तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते? तो उसने कहा भगवान मैं जब तक जीऊं मैं खुशी से जीऊं, मुझे हमेशा खुशी मिले। तो भगवान ने उसको कहा आप तो जानते हैं तथास्तु। तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तो उसको खुजली होने लगी। अब वो खुजली करता रहता और वो बहुत खुश रहता। तो जो लोग ज्योतिष में नए नए आते हैं तो उनको बहुत खुजली होती है कि आज राहु राशि बदल रहा है तो क्या रिजल्ट आने वाला, शनि राशि बदल रहा है क्या रिजल्ट आने वाला, मंगल राशि बदलने वाला क्या रिजल्ट आने वाला, मंगल वक्री होगा तो क्या रिजल्ट आने वाला, शुक्र अस्त होगा क्या रिजल्ट आने वाला, शुक्र उदय हो गया तो क्या रिजल्ट आने वाला, मरकरी उदय हो गया अस्त हो गया फलाना ये हो गया वो। तो ये जो है साल के अंदर कई बार ये इवेंट होंगे और जिंदगी में इतने इवेंट नहीं होते। जिंदगी में जो मेजर इवेंट है वो बहुत कम होते हैं, मतलब मेजरली अगर देखा जाए तो 30-35-40 ही लाइफ में मेजर घटनाएं होती हैं, इससे अधिक नहीं होती। शादी एक ही होगी, पढ़ाई लिखाई में कुछ बहुत बेहतर अगर आदमी करता है तो 2-4 साल ऐसे होंगे कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ होगा, जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया। तो वो जिस समय पे चार्टेड अकाउंटेंट बना है तो वो उसका एजुकेशन का सबसे अच्छा पीरियड है, या IIT में सिलेक्ट हो गया। इस तरह से जॉब लगनी, प्रमोशन होनी, बिजनेस है तो बिजनेस के बहुत अच्छे कुछ साल या बहुत बुरे साल, बच्चा पैदा होना, प्रॉपर्टी खरीदना, संपत्ति खरीदना, व्हीकल खरीदना, हेल्थ बहुत खराब हो जानी। तो ये 35-40 से ऊपर इवेंट आप जानते नहीं होंगे, या विदेश जाना। लेकिन हर साल 35-40 इवेंट ढूंढना जिस तरह से मैंने बताया वो तो पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन जब हम नए नए ज्योतिष में आते हैं तो हमें लगता है कि भी कुछ होगा, और YouTube पे वीडियोस की बाहर है कि हाय कुछ होगा, क्या बदलेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये बता रहे हैं 17 अगस्त या 18 अगस्त को राहु बदलेगा, या मेरे हिसाब से 9 सितंबर को बदलेगा। तो मैं जो है ट्रू पोजिशन राहु की समझता हूँ कि लेनी चाहिए। तो वो लोग जो मीन ले रहे हैं उनके हिसाब से 18-17 अगस्त को राहु चेंज होगा और वो कर्क राशि में चले जाएगा। अब ये कर्क राशि में जाने से विभिन्न राशियों पे क्या असर पड़ने वाला, ये भी कुछ नहीं होने वाला कि भाई 60 करोड़ लोगों पे एक ही असर पड़ेगा, ये भी नहीं होने वाला। तो प्रेडिक्शन देंगे कैसे ये समझने की बात है कि कोई स्पेशल मेथड है प्रेडिक्शन देने का, और वही फॉलो करेंगे या हर बार जो ग्रह बदलेगा तो करेंगे। तो एक कोई स्पेशल एक मेथड बनाना चाहिए जिससे हम हमेशा वही मेथड को यूज करें, दैट इज द एप्रोप्रिएट थिंग टू डू। ये रोज हम देखें राहु बदल जाएगा तो भाई राहु बदल जाएगा तो बाकी 8 ग्रह क्या करेंगे, वो क्या स्विट्जरलैंड चले जाएंगे क्या उस समय? ऐसा तो नहीं है ना। और राहु तो 1.5 साल रहने वाला है उस राशि में, तो 1.5 साल के अंदर एक ही चीज होगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो 1.5 साल के अंदर जो बच्चे समझ लीजिए ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, 1.5 साल बाकी रह गया तो पास में, बड़ी सिंपल सी बात है, जिनकी सगाई होगी उनकी शादियां हो ही जाएंगी। तो ये मतलब कि राहु 1.5 साल एक ही चीज रहेगी, ये तो होगा नहीं। तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है, जो ज्योतिष है वो एक मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ है, तो ये मेजर इवेंट कैसे होगी ये समझ लेते हैं, और उसमें राहु की कोई दखल अंदाजी होगी या नहीं ये समझने का प्रयत्न करते। तो कोई प्रेडिक्शन अगर हम भी जब भी करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दशा भुक्ति अंतर। अगर दशा भुक्ति अंतर रिजल्ट देगी तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए फिर हमें आगे गोचर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे दशा भुक्ति अंतर है, अब वो जो है वो हो सकता है कि वो 6 महीने का हो। अब हमें इवेंट, जैसे मैंने बताया कि इवेंट को प्रिडिक्ट करना है, एग्जैक्ट उसकी हमने डेट निकालनी,
तो हमें गोचर की सहायता करनी पड़ेगी। और जिस तरह दशा भुक्ति अंतर के तीन ग्रह होंगे, इस प्रकार से गोचर के भी एक ग्रह से रिजल्ट नहीं आएगा। और जो ये स्लो मूविंग प्लेनेट है जैसे राहु शनि के, तो उसका तो कोई रिजल्ट आने नहीं, उसने कई दिन चलना नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। तो फास्ट मूविंग प्लेनेट की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, उनकी सहायता जरूर लेनी पड़ेगी, जैसे वो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, जो वो एग्जैक्ट डेट हमको बताएंगे। तो एक एक जन्मपत्री ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये जन्मपत्री आपके सामने है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके। ये 6 अक्टूबर 1964। अब ये जो जन्मपत्री होगी, इसके अंदर पहले देखते हैं कि दशा क्या चलती है। तो दशा शनि राहु गुरु। अब शनि जो है वो नीचे आप देखेंगे, जन्मपत्री के नीचे शनि दूसरा भाव, उस मंगल के नक्षत्र में 4, 7, 11 भाव, और 9वां भाव वो नक्षत्र बता रहा है, और राहु भी 5, 6, 7, 9, 4, 7, 11, 1, 3, 4, 11, 12 भाव बता रहे हैं। तो राहु और शनि ये दोनों प्रॉपर्टी परचेज बता रहे हैं, और गुरु और बुध को छोड़ के बाकी सारे जो ग्रह हैं वो संपत्ति क्रय बता रहे हैं, 4, 11, 12 भाव बता रहे हैं। तो इसका मतलब जब शनि राहु शनि का पीरियड आएगा तो वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा, और राहु जो है वो इनके 8वें भाव में गोचर करेंगे, परंतु वो 9 सितंबर को आएगा, और शनि राहु शनि 28 नवंबर को आएगा। इसका मतलब राहु ने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, और क्योंकि दशा अंतर प्रत्यंतर ये तीनों जो है अलग चीज बता रहे हैं, इसलिए कोई मेजर इवेंट 28 नवंबर तक तो नहीं होने वाली। तो अब ये देखते हैं कि गोचर में जाके कि प्रॉपर्टी परचेज या संपत्ति क्रय कब बनती, ठीक है। तो इसके लिए मैं गोचर की जन्मपत्री निकालूंगा। तो ये गोचर की जन्मपत्री आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको, स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ये गोचर की जन्मपत्री आ गई। अब गोचर में देखिए, ये जो बीच का जो हॉरोस्कोप है ये जन्म के समय का, और बाहर के जो ग्रह हैं वो सारे जो है आज के हैं, 8, 10, 2017। तो इसको हम आगे लेके चलेंगे, शनि राहु शनि का पीरियड लेके चलेंगे। तो नीचे विंशोत्री दशा लिखी है शनि राहु जुपिटर, तो इसको शनि राहु शनि करते हैं। तो आगे चले आए हम, दिसंबर 2017 में शनि राहु शनि हो गया। अब ग्रहों की स्थिति देखते हैं। शनि और बुध जो है वो लगन में, अब शनि तो यहीं रहेगा, राहु जो है 8वें भाव में आ गया कर्क में, लेकिन इसका कोई प्रॉपर्टी पर जैसे कोई लेना देना नहीं। दशा भुक्ति अंतर प्रॉपर्टी पर जैसे बता रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी पर जैसे बता रहे हैं, तो राहु कुछ नहीं कर सकता, वो अपना बैठा रहेगा 8वें भाव में, उसका कोई अर्थ ही कोई नहीं है। तो अब ये आ गए हम शनि शुक्र और सूर्य जो है वो 8वें भाव में आ गए। 26 दिसंबर 2017 को शनि और शुक्र की डिग्री भी एक होगी। आप ये राइट साइड में टॉप पे देखेंगे, शुक्र की डिग्री है 7 डिग्री और शनि की डिग्री है 6 डिग्री 36 मिनट। तो ये तकरीबन मतलब 26 दिसंबर 2017 को संपत्ति क्रय का योग बनता है, तो इस समय पे ये संपत्ति क्रय करेगा। अब यहाँ जो राहु का रोल आया वो सिर्फ अंतरदशा में आया, राहु कर्क में आने से उसका कोई रोल नहीं है। अब एक और जन्मपत्री देख लेते हैं ऐसे। तो ये जन्मपत्री अब इसमें देखते हैं कि जो राहु के कर्क में आने से क्या रिजल्ट बनता है। ये जन्मपत्री को देखते हैं, ये जन्मपत्री में राहु की ही दशा चल रही है, चांस की बात है, और राहु खराब है, 1, 5, 6, 7, 8, 12 बता रहा है, और उसका उपनक्षत्र भी वही बता रहा है, और राहु राहु शनि की पीरियड चल रहा है। शनि हेल्थ के लिए इतना कोई बुरा नहीं है, बुध भी नहीं है, लेकिन केतु बहुत बुरा है, वो भी 1, 6, 8, 12 बता रहा है उपनक्षत्र में। तो हेल्थ के लिए जो बहुत खराब जो ग्रह है वो है केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु। तो आप इनमें सब में देखिए कि 1, 6, 8 और 12 भाव है। तो इसका मतलब राहु राहु केतु का जब पीरियड आएगा 15 मई 2018 से, आप राइट साइड में देख सकते हैं दशा को, तो हेल्थ खराब होगी। अब हम इसका गोचर देखेंगे 15 मई 2018 के बाद, ऐसी क्या गोचर बनेगी जब हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और 9 सितंबर को जो राहु जो कर्क राशि में आएगा, कर्क राशि में आएगा वो
इस जन्म कुंडली के 12वें भाव में, ये लियो लगन की कुंडली है, तो उससे कोई अर्थ नहीं बनेगा, 12वें भाव में आएगा, 12वां भाव खराब है हेल्थ के लिए, लेकिन तब तक अंतरदशा जब क्योंकि अच्छी चल रही है तो कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम, लगाते हैं गोचर, और गोचर लगा के इसको मई 2018 में ले आएंगे, उसको लेके जाते हैं मई 2018 में। अब ये जून 2018 आ गया, 8 जून 2018 आ गया, राहु राहु केतु का पीरियड चल रहा है, तो केतु मंगल जो है छठे भाव में, राहु जो है 12वें भाव में, तो मंगल भी खराब है, केतु भी खराब है और राहु भी खराब है। अब ये तीनों खराब है, अब केतु मंगल की एक डिग्री आ गई, तो इसका मतलब क्योंकि दशा भुक्ति अंतर भी खराब है और राहु भी खराब है और केतु भी खराब, मंगल भी खराब है, तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो सितंबर में राहु का गोचर 12वें भाव में बदलने से नहीं होने वाला, जब तक दशा भुक्ति अंतर खराब नहीं होगी तब तक राहु एक्टिव नहीं होगा हेल्थ को खराब करने के लिए, ये समझने वाली बात है। और उसके बाद सेहत में ठीक भी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 12वें भाव में आ गया तो हमेशा कुछ खराब ही रहनी है हेल्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक आखिरी जन्म पत्र और समझते हैं, वो भी ले लेते हैं 9 सितंबर 1993, उसको 12:10। अब इस जन्मपत्री में देखेंगे आप, ये स्कॉर्पियो लगन की होगी या वृश्चिक लगन की होगी। अब इसमें दशा क्या चल रही है, राहु में चंद्रमा, राहु इस जन्मपत्री में अच्छा है और मंगल भी अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छा है, तो राहु चंद्रमा क्योंकि अच्छे हैं जो इस समय चल रहे हैं, अच्छे का मतलब है ये काम के लिए अच्छे हैं, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये 7, 10 या 6, 11 भाव बता रहे हैं। तो ज्यादातर ग्रह अच्छे हैं, जैसे केतु हो गया, चंद्रमा है, मंगल है, राहु है, गुरु है, शनि है, बुध है। तो जैसे राहु कर्क राशि में प्रवेश करेगा 9वें भाव में, तो उसका कोई असर होगा मैं नहीं जानता, बट ये बात सीधी है कि उस समय पे राहु चंद्रमा और शुक्र की पीरियड चल रहा होगा, कुछ खास नहीं होने वाला। राहु मंगल का जो पीरियड है, मंगल बहुत अच्छा है, आप देखिए 6-11 बता रहा है, तो वो दिसंबर 2017 से बता रहा है, तो वो राहु मंगल अच्छा है, तो राहु मंगल और राहु का पीरियड जब चलेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। राहु मंगल राहु का पीरियड 31 दिसंबर 2017 से चल रहा है, तो इसको ट्रांजिट में आप देखते हैं या गोचर में देखते हैं, तो ये 8 अगस्त 2017 की अभी गोचर है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। ये दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, अब जनवरी से देख लेते हैं, ठीक है, राहु मंगल राहु, ये थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, 1 जनवरी 2018 तकरीबन जब राहु मंगल राहु आया अंदाजन, एक दो दिन की ऐसी कोई बात नहीं। तो अब ये देखते हैं सूर्य शुक्र और शनि, ये दूसरे भाव में आए थे, ठीक है, शनि जो है वो भी अच्छा है, सूर्य जो है वो भी ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। करेक्ट, शुक्र अच्छा नहीं है, वापस ले लेते हैं इसको, ये आ गया दूसरे भाव में सूर्य शुक्र शनि और बुध, तो ये 4 ग्रह और राहु 9वें ग्रह में, 9वें भाव में है। अब 9वें भाव में राहु प्रोफेशन के भाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो आइडियल है, कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब आगे चल के देखते हैं तो केतु बुध सूर्य और शुक्र, तो ये जो है ये तीसरे भाव में आ जाते हैं, तो इनका भी कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। शनि चौथे भाव को देख रहा है और
ग्यारहवें भाव को देखा। तो जब ये ग्रह जो है अच्छे ग्रहों को देखने लगेंगे तब भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो जैसे सूर्य जो है, शनि जो है वो ग्यारहवें भाव को देख रहा है, गुरु जो है वो छठे भाव को देख रहा है, और यहाँ पर बुध जो है वो दसवें भाव को देख रहा है। तो इसका मतलब फरवरी 2018 ये एक पीरियड बनता है जब अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर जो राहु जो भाग्य स्थान में बैठा वो भाग्य स्थान में बैठा रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं, उससे कोई करियर का कुछ बढ़िया होने वाला ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि तो उसको प्रोफेशन या करियर के भाव से कोई लेना देना नहीं है। या इसके साथ ग्रह अगर आते तो वो साथ में ग्रह आने में अभी 6 महीने और लगने फरवरी में से, क्योंकि तो जुलाई के आसपास ही जो फास्ट मूविंग ग्रह हैं जैसे बुध सूर्य शुक्र जो है वो आएंगे, तो तभी 2018 में कुछ होगा, इससे भी कुछ। तो मोटे तौर पे ये कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि राहु कर्क में आ रहा है तो कुछ होने वाला है, तो हम ये नहीं कह रहे कि केतु जो है वो राशि बदल रहा है तो कुछ होने वाला है। हमें ये देखना है कि दशा भुक्ति अंतर के ग्रह क्या कहते हैं, और इसी प्रकार से कोई 3 ग्रह गोचर में भी कोई वही बात कहते हैं तभी रिजल्ट आएगा। सिर्फ 1 ग्रह का राशि बदलने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। जितनी भी ये बातें हैं, भ्रांतियां हैं, बेकार की बातें हैं, इस पे ध्यान नहीं देना, इससे कोई रिजल्ट नहीं आता। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।